Hello and welcome to another lecture. And the topic for today's lecture is Presidential Rule. In my last video, I discussed with you types of federalism. And in that, I discussed two types confederal and quasi federal. In a simple language, federalism is simply the division of power, division of power in between the center and its states. तो कॉन्फेडरल वैसा डिवीज़न ऑफ पावर है जहाँ पर सेंटर कंपैरेटिवली वीक होता है और उसके स्टेट्स के पास ज़्यादा ऑटानोमी ज़्यादा फ्रीडम ज़्यादा पावर होती है कि वो अपने इंटरनल मैटर्स खुद से रिजॉल्व कर सकें तो कॉन्फेडरल टाइप के फेडरलिज्म का मैं मैंने एग्जाम्पल दिया था यूरोपियन यूनियन यू एंड स्विट्जरलैंड सो थ्रू द प्रीवियस वीडियो यू केम टू नो वट टाइप ऑफ़ फेडरलिज्म इज़ इन यू आज हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे यूएसए का क्लियर तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई विल लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्टेटस ठीक है तो एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड ये जो अमेरिकन uh, कॉन्टिनेंट है ये uh, आपके आपके इसमें वेस्टर्न हेमोसफेयर में है एंड यू कैन सी ऑन द स्लाइड ओनली दैट अमेरिकन कॉन्टिनेंट कैन बी क्लियरली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स दैट इज़ नॉर्दर्न अमेरिका एंड द दादर्न अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में फर्दर उसको डिवाइड कर सकते हैं इट इज़ वेरी मच क्लियरली विजिबल ऑन द स्लाइड ऑल्सो कि नॉर्थ अमेरिका को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स द वन ऊपर में कैनेडा नीचे में मैक्सिको एंड इन इट्स सेंटर इट इज़ यूएसए। तो हम इसी यूएसए का कॉन्फेडरल सिस्टम पढ़ा था हमने और अब हम इसी यूएसए का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे अगर आप ध्यान से देखो तो इस नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल ऊपर में साइड में यू कैन सी लेफ़्ट साइड में बिल्कुल ऊपर में टॉप पे लेफ्ट साइड में यूएस वहां भी लिखा है यानी वो अलास्का का रीजन है जो कि यूएसए का पार्ट है ठीक है ये यूएसए में 50 स्टेट्स है और वन डिस्ट्रिक्ट है इसका जो राजधानी है यानी इसका जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन है क्लियर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड बिफोर गिविंग एनी फर्दर इंट्रोडक्शन आई लाइक टू गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ अमेरिका अब आपको पता है अमेरिका को न्यू वर्ल्ड भी कहते हैं एंड डू यू नो वाई इट इज कॉल्ड न्यू वर्ल्ड अच्छा ये भी अमेरिका सिर्फ uh, यूएसए की नहीं बात करी ये मैं ऑन uh, होल यानी नॉर्थन एज वेल एज सौ साधर्न अमेरिका की बात कर रही हूँ यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ ठीक है अमेरिकन कॉन्टिनेंट को न्यू वर्ल्ड इसलिए कहते हैं कि कोलम्बस यू माइट बी नोइंग अबाउट द कोलम्बस वो uh, निकले थे इंडिया की खोज करने थ्रू द सी रूट वो यूरोप के थे और uh, उस वक्त इंडिया को uh, इंडिया का बहुत प्रोग्रेस था उसे सोने की चिड़िया भी कहते थे तो सेफेस्ट एंड शॉर्टेस्ट सी रूट की खोज के लिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो कैन कंट्रीज़ के लोग वो डिस्कवर करना चाहते थे तो कोलम्बस ऑल्सो स्टार्टज दिस जर्नी एंड ही थॉट दैट ही इज गोइंग टू डिस्कवर द ही इज गोइंग टू डिस्कवर इंडिया बट वेन ही लैंडेड इन अमेरिका जब वो लैंड किया अमेरिका में देन वॉट ही थॉट दैट ही हैज लैंडेड इन इंडिया क्योंकि वो इंडिया की खोज ही करने निकला था तो जब वो अमेरिका पहुंचा तो उसे लगा कि वो इंडिया पहुंच गया अच्छा अमेरिका में उस वक्त क्या था कि कुछ लोग आइस एज के वक्त जो सर्बिया में रहते थे वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में शिफ्ट हो गए थे थ्रू अलास्का अगर आप देखोगे तो रशिया का एरिया बहुत ज़्यादा अलास्का के बहुत ही नज़दीक है तो आइस एज में फॉर द बेटर कंडीशन ऑफ़ लिविंग दे शिफ्टेड फ्रॉम रशिया वो सर्बिया वाला जो पार्ट था दे शिफ्टेड फ्रॉम दे टू अलास्का एंड अलास्का अजहन शोन यू राइट नाउ इज़ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका वो कुछ लोग आए थे वही पीपल इंडिजिनस थे वो वहाँ अभी अमेरिका के उस वक्त मूल निवासी थे वो न, वो नेचुरल ना, इन्हीबिटेंट थे तो ये अ, लोग वहाँ रह रहे थे जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया एंड वेन द कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका वन ही वन ही वन ही विजिटेड दें या वन ही लैंडड दे तो एक तो पहली बात की कोलंबस को लग रहा था कि उन्होंने इंडिया की खोज की और दूसरी बात जो वहाँ के लोकल इन्हीबिटेंट जो इंडिजिनस हैं जो उस वक्त के लोग थे उनके स्किन का कलर रेड था तो कोलंबस ने उन्हें नाम दिया था रेड इंडियंस रेड क्यों क्योंकि स्किन का स्किन का कलर रेड था इंडियन क्यों क्योंकि उन्हें लगा था कि वो इंडिया पहुँचे सो फर्स्ट थिंग इज दिस एंड सेकेंड दिस बिफोर द कोलंबस वन वॉज नोइंग कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी कोई जगह है ऑन द वर्ल्ड में क्यों क्योंकि उस वक्त जो लोग रह रहे थे वहाँ पे वो बहुत 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 प्रिमिटिव एज टाइप की जिंदगी जी रहे थे दे वर नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड सो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का डिस्कवर किसने किया कोलम्बस ने और वो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ उसका इसलिए इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द न्यू वर्ल्ड सेकेंडली एंड नाउ वी आर नाउ नाउ वी आर गोइंग टू फोकस आर स्टडी ऑन टोटली यू एस ए ठीक है तो यू एस ए में एज यू ओन नो यूरोप का कॉलोनी थी पूरे पूरे दुनिया में सिमिलरली यूरोप में ब्रिटेन की कॉलोनी थी इन अमेरिका ऑल्सो लेकिन अमेरिकन यानी यू एस ए जो मैंने पहले ही कह दिया था कि अब हम यू एस ए के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अच्छा यू एस ए को uh, बोल चाल की लैंग्वेज में समटाइम्स वी रिफर यू एस एज यू एस ऑल्सो या एज अमेरिका ऑल्सो ठीक है तो यू एस ए में ब्रिटेन का कॉलोनी थी उसके अगेंस्ट यू वालों ने रेवोल्यूशन किया एंड फाइनली इन 1789 देयर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स यानी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड केम इनटू फोर्स इन 1789 एंड द थ्री मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फेडरलिज्म सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशल रिव्यू इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कसड फेडरलिज्म एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशल रिव्यू सेपरेशन ऑफ पावर का जब हम समझेंगे तो दिन इट विल भी वेरी मच विजिबल कि वहाँ पर किस तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करता है मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड ऑन द स्लाइड यू कैन क्लियरली सी दैट द ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट इज थ्री ठीक है थ्री ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट यू कैन सी ऑन द स्लाइड फर्स्ट इज लेजिस्टिव दैट इज लॉ मेकिंग बॉडी एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल बॉडी एज आई हैव डिस्कस यूर इंडिया जो यू एस का कॉन्स्टिट्यूशन है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत छोटा है इसमें सिर्फ ट्वेल्व पेजेस में इनका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया एंड डू यू नो कि ट्वेल्व पेजेस में इतना छोटा आई मीन थिंक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कितना लेंदी कितना बल्कि है इनका इतना छोटा है इसलिए क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था क्योंकि यहाँ कॉन्फेडरल सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इसका मतलब होता है कि जितने भी स्टेट्स हैं यूएसए के जैसे फिफ्टी स्टेट्स हैं उनके हर एक स्टेट की अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है उन स्टेट्स में क्या रूल्स रेगुलेशन कैसी लेजिस्लेटिव बॉडी होगी कैसी एग्जीक्यूटरी कैसा जुडिशल सिस्टम काम करेगा इनका अपना अलग सबसे है इसलिए सेंटर में यानी फेडरल गवर्नमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट uh, में सिर्फ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो फेडरल गवर्नमेंट कैसे रन करेगा ये इसके लिए था इसलिए ये बहुत छोटा है मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड यू कैन सी जैसे आई हैव डिस्कस चाहिए कि यूएस US, ये यूएसए की जो गवर्नमेंट है वी कैन डिवाइड इट इंटू थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव बॉडी यू कैन सी लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है लॉ मेकिंग बॉडी और हमारे इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी को हम क्या कहते हैं पार्लियामेंट और पार्लियामेंट इन इंडिया इस कंस इट्स कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स जैसे इसके टू कंपोनेंट्स क्या हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पहला कंपोनेंट है हमारे प्रेसिडेंट और दूसरा कंपोनेंट क्या है बाई कैमरल बाई कैमरल का मतलब होता है टू हाउसेस ठीक है लोकसभा एंड राज्यसभा सिमिलरली जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी को इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं उसी तरह लेजिस्लेटिव बॉडी को यूएसए में कांग्रेस कहते हैं हमारे इंडिया में कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन वहाँ कांग्रेस का मतलब होता है लेजिसलेटिव बॉडी सिमिलरली इनकी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो भी बाई कैमरल है यानी इसके भी टू हाउसेस हैं और कौन से वो दो हाउस हैं एक सीनेट है एंड दूसरा क्या है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट के लेजिस्लेटिव बॉडी जिसे हम कांग्रेस कहते हैं एज हैव डिस्कस्ट इसके दो पार्ट्स होते हैं दो इसको भी बाई कैमरल कहते हैं सीनेट को अपर हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लोअर हाउस जैसे हमारे लोकसभा हो गया और इसके क्या क्या क्राइटेरिया है आई हैव डिस्कस्ड ऑन दिस स्लाइड यू कैन सी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये जो इनका सीनेट है ना वो बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है मूविंग टू द नेक्स्ट इट इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या मतलब होता है वो बॉडी जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करवाती है जो इम्प्लीमेंट करवाती है एट द ग्राउंड लेवल्स एग्जीक्यूटिव बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लॉ बनाने से क्या होगा जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ये इम्प्लीमेंट कौन करवाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी अब यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की कि पार्लियामेंट्री में एक डिफरेंट सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल में एक दूसरा सिस्टम है प्रेसिडेंशियल का मतलब यही होता है कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई कनेक्शन नहीं होता है यू कैन सी ऑन द स्लाइड ऑल्सो इट इज़ रिटन दैट जो एग्जीक्यूटिव का हेड है एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होते हैं वहाँ प्रेसिडेंट यानी जो प्रेसिडेंट है यू के वो स्टेट की और गवर्नमेंट दोनों के हेड होंगे हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ क्या होता है स्टेट के हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में वो सिर्फ नॉमिनल होते हैं रियल अथॉरिटी किसके पास होती है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है पर यूएसए में ऐसा कुछ नहीं होता एक ही बंदा होता है वही बंदा हेड ऑफ़ द स्टेट भी होता है और वही बंदा हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होता है यानी जो एक बंदा है मोस्ट पावरफुल उसी के पास रियालिटी में सारे के सारे पावर्स होते हैं और ये जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए के उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके थ्रू होता है इलेक्ट्रोल कॉलेज के थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज का अप, के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से यू के सिटीजन्स करते हैं ठीक है तो इन डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है और इनके जो अपॉइंटमेंट होता है इसमें लेजिस्लेटिव बॉडी का ऐसा सच कोई रोल नहीं होता हमारे इंडिया में क्या होता है कि लेजिस्टिव बॉडी यानी पार्लियामेंट के जो लोकसभा होते हैं उसमें मेजोरिटी में जो पार्टी विन करती है उसी में से एक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वही पार्टी में से वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट को बनाते हैं और ये कैबिनेट या ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने अपने विभाग के अपने अपने डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव हेड बन जाते हैं और सारे के सारे गवर्नमेंट का कौन हेड बनता है प्राइम मिनिस्टर लेकिन ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं होता यानी यूएसए में जो बंदा लेटिव बॉडी का है वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूटिव बॉडी में नहीं जाता यूएसए में लेजिस्लेटिव बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करती है दोनों का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से होता है मूविंग टू द द नेक्स्ट नेक्स्ट इज जुडिशियल बॉडी बॉडी फेडरल यहाँ लिखा है कि फेडरल कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है प्रेसिडेंट विद द कंसल्ट ऑफ सीनेट अच्छा देखो क्या होता है फेडरल कोर्ट क्या होता है फेडरल कोर्ट यहाँ सेंट्रल कोर्ट को रेफर किया गया है यानी सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया गया है तो इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं राय मशवरा लेते हैं सीनेट से सीनेट कौन है कांग्रेस का एक हाउस है अब जुडिशियल रिव्यू एज वी ऑल नो दैट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड और हमने जुडिशियल रिव्यू का इतना नोबेल आइडिया कहाँ से लिया था यूएसए से लिया था जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर लेजिस्लेटिव बॉडी कोई ऐसी लॉ बनाए या एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करवाए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के अगेंस्ट चला जाए तो जुडिशरी कैन इंटरवीन एंड अपहोल्ड दैट यानी वो रोक सकती है ऐसे लॉ को और ऐसे एग्जीक्यूटिव ऐसे पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों ऑर्गन पे जो कोर्ट है वो रोक सकती है ये कह सकती है कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सिमिलरली यहाँ मैंने दो केस डिस्कस किए हैं 1796 का हिल्टन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स और 1803 का मरवरी वर्सेस मैडिसन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं थ्रू विच यू कैन सी दैट जुडिशियल रिव्यू रियली वर्क्स इन यू एस ए मूविंग टू द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे आई हैव डिस्कस्ट प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ठीक है यानी वहां पे जो है वो रियल पावर है किसके पास है वो प्रेसिडेंट है के पास है और प्रेसिडेंट ही वहां का सब सर्वे सर्वा है सब सारी की सारी पावर अथॉरिटी उन्हीं के पास है एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे देखना नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इसका क्या मतलब होता है यानी अगर हम इसको इस तरह से भी कहे कि नॉन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव तो बिल्कुल सही होगा लेजिस्लेटिव बॉडी ही को तो इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं और यूएसए में कांग्रेस कहते हैं ठीक है ना तो नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव या कहो नॉन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव या कहो नॉन कांग्रेस एग्जीक्यूटिव का इसका क्या मतलब होता है इसका क्लियरली ये मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेशन से लेजिस्लेटिव बॉडी से उसका कोई मतलब नहीं है ना ही उसका अपॉइंटमेंट होगा किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के किसी भी मेंबर से मीन अ सेंस मैं समझाती हूँ लेजिस्लेटिव बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है इसके इलेक्शन प्रोसीजर्स भी अलग हैं इस, इसकी टाइमिंग ऑफ इलेक्शन भी अलग होते हैं और इसका अपॉइंटमेंट जो जीत के आते हैं लोग वो भी बिल्कुल अलग तरीके से चुने जाते हैं इसका मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको कौन अपॉइंट करता है इलेक्टोरल कॉलेज और ये जो कांग्रेस के लोग हैं कांग्रेस के जो दो हाउस है सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसके मेंबर्स कहाँ से आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं यूएसए के सिटीज़न डायरेक्ट इलेक्ट इलेक्ट करती है डायरेक्ट डायरेक्ट चुनाव होता है इनके मेम्बर्स के लिए और कई बार ऐसा होता है कि लेजिस्टिव बॉडी में किसी और पार्टी की सरकार है और एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई और पार्टी की एक सरकार है आपको पता है यूएसए में दो पार्टी ही मेन uh, है डेमोक्रेटिक <coughs> और रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक के कौन थे बराक ओबामा थे और अभी रिपब्लिकन पार्टी जो है यानी उनके डोनाल्ड ट्रंप हैं तो यही दो पार्टी मेनली वहाँ पे रहती है यूएसए में तो आई वाज डिस्कसिंग कि uh, ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है एंड द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज के ये जो एग्जीक्यूटिव हेड है यानी प्रेसिडेंट हैं वो आंसरेबल भी नहीं है लेजिस्लेटिव बॉडी में जैसे इंडिया में क्या होता है पार्लियामेंट्री सेशन चलता है सांसद सांसद का सांसद की वहाँ पे मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें आपको लेखा जोखा देना पड़ता है अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या क्या काम किया है आपने प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता कोई मिनिस्टर या कोई वहाँ का हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कोई कुछ भी जवाबदेही उसे नहीं करनी होती है लेजिस्लेटिव बॉडी में क्लियर है एंड द लास्ट इज इनका जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का फिक्स्ड होता है हमारे इंडिया की तरह नहीं कि कई भी कई बार भी अमिन उनकी सरकार गिर जाती है विद इन फाइव ईयर्स कई बार अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाते एम अपनी पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं ऐसे केसेस बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल हैं है कि आ, कुछ कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स भी गुजरे हैं जिनका जैसे वीपी सिंह एंड ऑल दैट इनका टर्न्योर भी पूरा नहीं हुआ था इनकी सरकार गिर गई थी तो ऐसा कुछ भी प्रेसिडेंशियल में नहीं होता हर प्रेसिडेंट वहाँ आने वाले जो भी प्रेसिडेंट है उन्होंने सब ने अपना फोर ईयर का टेन्योर पूरा कराया नेक्स्ट नाउ एम गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स एंड इन एंड इन दिस आई हैव द फर्स्ट वन इज रियल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज आई हैव है मेनी टाइम्स दैट जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ़ द स्टेट यानी यूएसए को यहां एज ए स्टेट कंसिडर किया गया है तो यूएसए के हेड कौन है प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के हेड कौन है प्रेसिडेंट जैसे इंडिया में क्या होता है इंडिया के फर्स्ट सिटीजन किसे रिगार्ड किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट को ठीक है अभी कोविंद सर है उन्हें रिगार्ड किया जाता है एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर उन्हें हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट हेड ऑफ़ द स्टेट भी कहा जाता है इसका मतलब है वो इंडिया में सबसे ऊंचा पद है उनका और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट यानी अगर कहो कि एग्जीक्यूटिव uh, हेड किसे माना जाता है इंडिया में या फिर लेजिलेचर लेजिस्लेटिव बॉडी में सबसे ज़्यादा बोल बारा बोलबाला किसका है रियलिटी में तो वो कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी दो बंदे अलग अलग होते हैं ना लेकिन प्रेसिडेंशियल में वो बंदा एक ही रहेगा वही वहाँ का हेड ऑफ़ द स्टेट भी रहेगा वही वहाँ का हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी रहेगा नाउ द नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर एज डिस्कस कर दैट एग्जीक्यूटिव लेजिसलेटिव एंड जुडिश्री ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्कस वेरी वेरी सेपरेट यानी सबका इलेक्शन अलग तरीके से होता है और कोई किसी के पास रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैंने कोई किसी के पास जाके अपनी जवाबदेही नहीं करता मूविंग टू द नेक्स्ट चेक एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है तो थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सही से काम करें उनके बीच में सही तालमेल हो कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो जाए इसलिए उनके बीच में एक चेक एंड बैलेंस होता है यानी ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर केप्ट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो है ही एंड देर ऑल्सो कनेक्टेड विद द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस सो दैट कि कोई इन्फ्रेंज ना करे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को और हम यहाँ पहले पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे बैलेंस बनाया जाता है कैसे उनके अधिकारों पर चेक किया जाता है मान लो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ़ यू एग्जीक्यूटिव हेड है आई हैव हैेसिडेंट ऑफ़ यू एस ए इलेक्ट होते हैं उसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव हो जाता है यही इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को अपॉइंट करता है और एग्जीक्यूटिव में और कौन आते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मेम्बर्स तो ये जो कैबिनेट मेम्बर्स होते हैं ये जो मिनिस्टर होते हैं प्रेसिडेंट के उन्हें प्रेसिडेंट को पूरा पूरा अधिकार है कि वो किसी भी बंदे को चुनकर अपॉइंट कर सकते हैं एज हिज मिनिस्टर और एज हिज़ कैबिनेट तो यूएसए में क्या होता है ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी को लाना है या हेल्थ में लाना है या डिफेंस में लाना है तो जिस फील्ड का जो बंदा माहिर है जिसको बहुत ज़्यादा समझ है एक्सपर्ट है अपने फील्ड का कोई दिक्कत नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ने वाला है नथिंग मैटर्स एट ऑल वो अपने फील्ड में बहुत माहिर है अपने फील्ड का जीनियस है तो प्रेसिडेंट ऑफ़ यूएसए उसे वो डिपार्टमेंट सौंप देंगे ठीक है कई बार ये ऐसा होता है कि दिस इज़ इन फैक्ट बहुत ही अच्छा स्टेप है एक पढ़ा लिखा समझदार लर्नड पर्सन अगर अपने ही आ, एरिया का हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड बनता है बनता है या अपने विभाग का हेड बनता है तो अनडाउटली वो बहुत अच्छा काम करेगा तो एक बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेकिन इस पर मान लो कि कभी प्रेसिडेंट कोई ऐसे बंदे को लाकर अपना विभाग दे दें अपना डिपार्टमेंट या फिर को अपना कैबिनेट मेम्बर में जोड़ लें जो बहुत ही एंटी यू फीलिंग रखें ये जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा ना जिसमें बहुत सारे करप्शंस कर, जिसने कर रखे हैं ऐसे केस में अगर कोई ऐसा बंदा होता है तो सीनेट प्रेसिडेंट को रोक सकता है डिसअप्रूव कर सकता है उसका अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट जिसे प्रेसिडेंट ने किया है उसको डिसअप्रूव कर देगा यानी नहीं मानेगा दूसरा क्या है मान लो कि प्रेसिडेंट ऑफ यू एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ मान लो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अभी ये डिसाइड कर लें कि वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर इंडिया की हेल्प करेंगे तो ये भी एक तरह का इंसान ही डिसीजन है क्यों क्योंकि अभी पैंडमिक में सब अपने देश की उनकी हालत ख़राब है सारे देश की हालत ख़राब है इसमें आप किसी की इतना ज़्यादा बिलियंस एंड ट्रिलियंस दे रहे हो क्या मतलब है अपने हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा लगाओ तो वो अच्छी बात आप बाद में कभी कर देना लेकिन अभी तो इस सिचुएशन में पैंडेमिक में पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ओन सिटीजन है या फिर मान लो कि अभी यू जे सर प्रेसिडेंट ये डिसाइड करे कि वो आर्म्स एंड डिफेंस के ऊपर बिलियंस एंड ट्रिलियंस खर्च करे वो भी बहुत ही इलॉजिकल लॉजिकल अनसाइंटिफिक और बहुत ही इंसेंट डिसीजन होगा अभी राइट नाउ हेल्थ सेक्टर इज इन प्रायोरिटी इन एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स ठीक है तो ऐसा कुछ इलॉजिकल डिसीजन कर रहे अगर कभी प्रेसिडेंट तो सनेट उस पर रोक लगा सकता है दूसरी बात अगर प्रेसिडेंट इमोरल एक्टिविटीज़ में या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज में इवॉल्व हो जाए तो ऐसे उसके इन्वॉल्वमेंट इन ऐसे केस में जो सीनेट होती है यानी सीनेट कौन है कांग्रेस का अपर हाउस है यानी लेजिस्लेटिव बॉडी का अपर हाउस है प्लस जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं यानी फेडरल कोर्ट के जो जज होते हैं ये दोनों मिलकर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए पे ए इम्पीचमेंट लगा सकते हैं लेकिन आज तक यूएसए का रिकॉर्ड है या हिस्ट्री कह लो आज तक किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगा ही नहीं है हाँ एक बार बिल क्लिंटन के ऊपर इमोरलिटी ग्राउंड पे कुछ बात चली थी लेकिन वो भी सक, कभी नहीं हुआ मतलब वो भी अप्लाई इम्पीचमेंट अप्लाई कभी किसी पे नहीं हुआ नेक्स्ट अब जुडिशरी पे कैसे होगा देखो जुडिशरी hmm. को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि उनके जो फेडरल कोर्ट के जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट प्लस विद द कंसल्ट ऑफ सीनेट करती है सीनेट याद रखना ये लेजिस्लेटिव बॉडी का अपर हाउस है यानी कांग्रेस का ही अपर हाउस है तो फेडरल कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ सीनेट दूसरा अब जुडिश्री को कैसे पावर दी गई है थ्रू द जुडिशियल रिव्यू यानी अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिसलेटिव एग्जीक्यूटिव करती है तो जुडिश्री उसमें इंटरफेयर कर सकती है थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अब ये जो कांग्रेस है उस पर कैसे रोक लगती है तो कांग्रेस कोई भी बिल को लॉ बनाने के लिए वो प्रेसिडेंट के पास भेजता है साइन के लिए प्रेसिडेंट वो साइन कर देता है अगर मान लो प्रेसिडेंट को लगता है कि ये सही नहीं है बिल तो उसको रिकन्स्टिडूशन के लिए दोबारा कांग्रेस भेज सकता है लेकिन अब टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस उस बिल को पास करेगा तभी वो लॉ बनेगा क्लियर है मान लो कि कुछ ऐसा लॉ भेजा उसने प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट को सही नहीं लगा उन्होंने अपना वीटो पावर यूज़ किया और जब वीटो पावर यूज़ करके उन्होंने लौटा दिया उस बिल को तो अब दोबारा वो लॉ तभी बनेगा जब कांग्रेस से टू थर्ड मेजोरिटी में वो पास हो जाएगा एक यहाँ लिखा है मैंने पॉकेट वीटो एज सच इतना तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब इसी से रिलेटेड है तो मैं डिस्कस कर दूँ <coughs> पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि मान लो कि कोई बिल आता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए और प्रेसिडेंट अगर दस दिन तक उसे रखे रह जाए तो ऑटोमेटिकली वो बिल लॉ बन जाता है ठीक है और अगर मान लो इस दस दिन के अंदर उनकी कांग्रेस एडजर्न्ड हो जाए यानी कांग्रेस ख़त्म हो जाए यानी लेजिस्लेटिव बॉडी का टेन्योर पूरा हो गया ऐसा कुछ केस हुआ तो वो बिल अब क्या होगा वो बिल दस दिन के अंदर अगर कांग्रेस उनकी एडजर्न्ड हो गई तो वो बिल ऑटोमेटिकली नलिफाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो बिल किल हो जाएगा और वो बिल कभी भी ये स्टॉप कभी भी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कांग्रेस कभी भी कोई बिल या लॉ नहीं बना सकेगी नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेरिट ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म इसमें सबसे पहला क्या है कि एक फिक्स टर्म होता है जैसा आप डिस्कस कर लिए फिक्स टर्म रहेगा तो आप अच्छे से काम करोगे ये ना हो कि एग्जीक्यूटिव हेड इंडिया में कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के कुछ एम पीज अपने पार्टी को छोड़ कर दूसरे पार्टी में मिल जाए तो क्या होगा प्रेसिडेंट uh, तो क्या होगा इंडिया में क्या होगा इंडिया में एग्जीक्यूटिव बॉडी सही से काम भी नहीं कर सकेगी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगी अपने काम पर उसको अपने मौका को दिखा अपने टैलेंट को दिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ एम ने सत्ता में रह के अपनी पार्टी से अविश्वास मत पत्र जार, जारी कर दिया यानी उन्हें आई मीन नो कॉन्फिडेंस मोशन की सिचुएशन क्रिएट कर दी फ्लोर टेस्टिंग में वो फेल हो गए पार्टी बदल लेते हैं वो लोग इंडिया में एम ऐसे केस में ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो ख़त्म हो जाएगा ऐसा कुछ भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है सेकेंड इज़ एफिशिएंसी एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर तीनों अलग अलग हों और तीनों अलग से कंसंट्रेट करते हैं अपने अपने विभाग पे थर्ड इज ऑफकोर्स वी नो अंकल सैम यानी प्रेसिडेंट को यू के प्रेसिडेंट को अंकल सैम भी कहते हैं और क्या मतलब है इसका कि जैसे ये बैराक उमाम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था उन्हें पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिग्निटी बहुत प्रेस्टीज मिलता है इन्हें फोर्थ इज़ द बेस्ट अमंग ये बहुत अच्छी बात है ये जो प्रेसिडेंट होते हैं यू के वो अपने कैबिनेट मेम्बर्स के लिए जैसे मैंने डिस्कस किया बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुनते हैं यानी जो जिस विभाग का टैलेंटेड बंदा है जिस डिपार्टमेंट का उसको सबसे ज्यादा नॉलेज है उसी बंदे को वो भले पार्टी में ना हो भले कोई इलेक्शन uh, कॉन्टेस्ट करे ना करे या मान लो अपोजिशन पार्टी का भी है तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर प्रेसिडेंट ने चाहा तो किसी भी बंदे को वो कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं इससे क्या होगा द बेस्ट और द बेस्ट उन्हें मिल सकेगा उस डिपार्टमेंट के लिए एंड द लास्ट इज अगर कोई नॉमिनल हेड नहीं है जैसे इंडिया में क्या होता है नॉमिनल हेड है और रियल हेड है कन्फ्यूजन रहता है कि सारे के सारे डिसीजनस कौन ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और हेड किसे बना रखा है प्रेसिडेंट को तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में यानी यूएसए में कोई ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती एंड द लास्ट लाइट डिस्कस अबाउट द डिमेरिट एंड इन दिस द फर्स्ट इज अगर मान लो प्रेसिडेंट ऑफ यू एस ए को इतना पावर हैं तो इनके ऐसे केस में शायद वो कभी डिक्टेटर या ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं यानी अपनी सिर्फ चलाने वाले हो सकते हैं जो कि गलत है जो कि एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए गलत होगा सेकेंड क्या है इट लीक्स टू डेड लॉक ये अच्छी बात है इट लीगस टू डेड लॉक एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इसका क्या मतलब है एज हैव है वहाँ जो कांग्रेस है यानी लेजिस्लेटिव बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो जुडिशरी है ये तीनों का तीनों का अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होता है मैंने ये भी डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटिव बॉडी के जो भी मेंबर्स हैं उनका डायरेक्ट वोटिंग होता है एग्जीक्यूटिव के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका इनडायरेक्ट वोटिंग होता है उसका उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है इलेक्टोरल कॉलेज करता है लेजिस्टिव बॉडी यानी कांग्रेस के जो बंदे हैं उन्हें कौन चुनता है उन्हें डायरेक्टली यू के सिटीजन चुनते हैं ऐसा हो सकता है कि मान लो लेजिस्टिव बॉडी में कोई और कोई और पार्टी को सत्ता मिल गई कोई और पार्टी बहुमत में मेजोरिटी में और एग्जीक्यूटिव बॉडी में कोई और पार्टी का बंदा प्रेसिडेंट बन गया तो ऐसे केस में अगर बिल आता है प्रेसिडेंट के साइन के लिए तो कभी कभी प्रेसिडेंट अपना आई मीन अपना गुस्सा कहो या कॉन्फ्लिक्ट दिखा सकते हैं बिल के ऊपर साइन करने के लिए ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं यूएसए में लेकिन इसका एक खतरा बना रहता है थर्ड इज़ इट इज़ रिजिड इन कैरेक्टर मैंने जैसे कहा इसलिए ना बहुत ज़्यादा जुड़ा है कॉन्फेडरल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म कॉन्फेडरल में क्या होता है स्टेट्स के पास बहुत पावर होती है यूएसए में जो है वो रिटर्न है और बहुत रिजिड है तभी तो अभी तक सिर्फ से 27 सेवन अमेन्डमेंट्स हो चुके हैं और बताओ 1789 ये में ये फोर्स में आया था हमारे इंडिया में कब आया बहुत बाद में आया 1950 ये में ये फोर्स में आया एनी वेज इतने कम अमेंडमेंट क्यों हुए क्योंकि वहाँ पे कोई भी किसी भी लॉ को बनाने के लिए यानी कोई भी अमेंडमेंट पास करवाने के लिए उन्हें क्या करना होता है थ्री फोर्थ मेजॉरिटी से पास करवाना होता है थ्री फोर्थ स्टेट मेजोरिटी से पास करवाना होता है तभी वो अमेंडमेंट वैलिड होता है थ्री फोर्थ मेजोरिटी का क्या मतलब है मान लो फिफ्टी स्टेट्स है तो थर्टी एट स्टेट्स को वो रेक्टिफाई करेंगे तभी वो वैलिड हो जाएगा इन अमेंडमेंट uh, अगर थर्टी एट थर्टी एट स्टेट्स ने रेक्टिफाई नहीं किया तो वो अमेंडमेंट आ ही नहीं सकता एंड जस्ट कंसीडर फिफ्टी में से थर्टी एट का मान जाना जब इतना आसान नहीं होता है तो इसलिए वहाँ पर बहुत रिजिड माना जाता है एंड सो दिस इज़ ऑल इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई होप यू लाइक इट Thank you for watching this video.